नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है न्यूज़ इन हिंदी में। अपराधियों को सज़ा मिलना लाजमी है। ये कानून इंसानों पर लागू तो होते आपने देखा और सुना होगा, लेकिन हम आपको एक ऐसी अदालत के बारे में बताने जा रहे हैं जहां पर भूतों को उनके अपराध की सज़ा दी जाती है। भूतों की अदालत, हाँ, कानपुर के जाज महू स्थित जिन्नाथों की मस्जिद में सस्ती है। मस्जिद पर एक अदालत लगती है जहां पर भूतों के अपराध की सज़ा सुनाई जाती है। जिन्नाथों की मस्जिद में नाम से मशहूर इस स्थान पर सैकड़ों की तादाद में हिंदू श्रद्धालु भी आते हैं। ये सभी लोग जिन्नाथ को खुश करने के लिए अच्छा खासा नजराना भी चढ़ाते हैं। मस्जिद पर भूतों को सज़ा सुनाई जाती है। वैसे हर दिन भूत प्रेत से पीड़ित व्यक्ति आते हैं, पर हर गुरुवार को अदालत सजती है और पीर बाबा पीड़ित को एक दरवाजे पर ले जाकर पहले उसे जुर्म कबूल करवाते हैं और फिर फांसी की सज़ा का ऐलान करते हैं। ईद के मौके पर यहाँ मेला भी लगता है। जाज महू स्थित गंगा के किनारे 350 साल पुरानी जिन्नाथों की मस्जिद है। यहाँ पर बकायदा हर गुरुवार को एक अदालत लगती है जहाँ पर भूतों के अपराध की सज़ा सुनाई जाती है। जिन्नतों की मस्जिद के नाम से मशहूर इस स्थान में सैकड़ों की तादाद में हिंदू श्रद्धालु भी आते हैं। मस्जिद के पीर बाबा ने बताया कि इसके निर्णय की खास बात यह है रही कि एक रात में ही इस मस्जिद का निर्माण हो गया। किसी ने मस्जिद को बनते नहीं देखा, किसी अदृश्य शक्ति ने इसका निर्माण किया। बताते हैं, मुगल शासक औरंगजेब के सिपहसलवार कुचिन खान ने जाज मऊ इलाके में 1679 के आसपास का निर्माण करवाया था। गुरुवार को होती है 50 से ज़्यादा लोगों की सुनवाई। जिन्नातों की मस्जिद में हर गुरुवार को यहाँ पर अदालत बैठाई जाती है। इस अदालत में एक मुकदमा लिखने वाला और पढ़ने वाला, उसे कलमबंद करने की एक मुंशी भी मौजूद होता है। दिन भर में करीब 50 से 60 मुकदमे की सुनवाई होती है। भूतों के अपराध की गंभीरता के अनुसार उसकी सज़ा सुनाई जाती है। खास बात यह है कि भूतों के लिए लगाई गई इस अदालत में आने वालों में महिलाओं की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। इन महिलाओं में भी मुस्लिम और हिंदू महिलाएं भी होती है। इसके अलावा भूत प्रेत से ग्रसित मरीज वैसे हर दिन आते हैं, पर अदालत की बैठक सिर्फ गुरुवार को ही होती है।